Hello, today we are going to discuss about inorganic chemistry, and the first question is, what are the limitations of crystal field theory and why molecular orbital theory is preferred over it? So let's start with the limitations of the crystal field theory, and I will explain in a Hindi language. So first point is, it is based on electrostatic forces. जो CFT है, मतलब crystal field theory है, वो किसके ऊपर based है? Electrostatic forces के ऊपर. उसने बोला था कि जो भी metal होएंगे, जो भी complex होएगा, हर एक में electrostatic forces होएंगी. उसने ये नहीं बताया कि कुछ कुछ transition metal में covalent bonding बन रही है, वो क्यों बन रही है. तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशन थी, क्योंकि उसने यही बोला था कि सब में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो रही थी, पर उसने इसके बारे में नहीं बताया. दूसरा पॉइंट है कि सीएफटी ने रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं कर पाया था किसकी, लिगेंड्स की. उसने बिल्कुल नहीं बताया था कि जो लिगेंड्स हैं उनकी एग्जैक्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है. थर्ड पॉइंट, इट कंसिडर्ड ओनली डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन. उसने मेटल आयन का ओनली डी ऑर्बिटल को ही इन्वॉल्व किया, ना एस ऑर्बिटल को, ना पी को, ना पाई ऑर्बिटल को इन्वॉल्व किया. उसने पाई ऑर्बिटल की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इसलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ये भी एक और लिमिटेशन है. फोर्थ पॉइंट, इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देयर इज नो पाई बॉन्ड, जो मैंने ऊपर बताया था. इट डस नॉट कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड. उसने ये भी नहीं बताया कि उसमें जो है डबल बॉन्ड आ सकता है या नहीं आ सकता, उसके भी रिलेटेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कुछ नहीं बताया. ना ये बताया कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है या नहीं, उसके बारे में उसने एक भी बात नहीं की कि पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा. मतलब उसके थ्योरी में पाई बॉन्ड की एग्जिस्टेंस नहीं थी. इट गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड. उसने ये भी नहीं बताया कि चार्ज है वो कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है बॉन्ड के इन बिटवीन. फॉर एग्जांपल, KMnO4 इज डार्क पर्पल इन कलर. जो KMnO4 है वो डार्क होता है, लेकिन मैगनीज हैव एनी इनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफर फॉर ट्रांजिशन. सो इट शुड बी कलरलेस कॉम्प्लेक्स. क्योंकि वो इम्पेयर हैं तो वो पेयर नहीं बना रहा, तो वो कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा. बट ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, इसमें क्या है, उसने बोल दिया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कि इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं चार्जेस, तो इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स क्या है कि MnO4 कलर्ड बन गया. बट उसने ये नहीं बताया कि वो चार्जेस कैसे ट्रांसफ़र हुए. ठीक है, तो ये उसकी क्या रह गई, लिमिटेशन. एंड उसने बोला कि जो इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आयनिक लिगेंड, जो आयनिक लिगेंड होता है, आयनिक मतलब जिसके ऊपर आयंस होते हैं, वो क्या है, उसके ग्रेट स्प्लिटिंग इफेक्ट होता है. बट वो तो कहाँ पाया जाता है, एट द लोअर एंड ऑफ द सीरीज, और सीरीज के बिल्कुल लास्ट में पाया जाता है. तो वो कैसे ग्रेट स्प्लिटिंग इफेक्ट शो कर सकता है? सो ये थी उसकी लिमिटेशंस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ प्रेफर्ड ओवर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी.